नमस्कार। योग में मेडिटेशन यानी ध्यान सबसे सुंदर क्रिया है और योग के लक्ष्य को, ध्येय को ये पूरा करती है। ये शरीर, मन और आत्मा के लिए दवा का काम करती है। ध्यान एक आत्मक्रिया है, अंदरूनी क्रिया है, जो शरीर को, मन को सही स्थिति में रखने में बहुत काम करती है। पिछले कुछ समय में ध्यान बहुत ही लोकप्रिय हुआ है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कई लोगों को ये ध्यान करना बड़ा मुश्किल नज़र आता है, उन्हें समझ में ही नहीं आता है, और इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि एक मुद्रा में बैठ जाओ और वही ध्यान है, लेकिन इंटरनल स्टेबिलिटी का क्या? आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो ध्यान मन को शांत, केंद्रित और माइंडफुल बनाती है। मेडिटेशन माइंड के लिए वही काम करता है जो एक्सरसाइज शरीर के लिए करता है। ध्यान करने के कई टेक्निक्स हैं, लेकिन शुरुआत में ध्यान को किस तरह करें ये समझ लें। सबसे पहला, जागरूक हो जाइए, अवेयरनेस रखिए, पास्ट या फ्यूचर में रहना बंद कीजिए। जिंदगी वही है जो अभी इस वक्त घटित हो रहा है, प्रेजेंट में रहिए, क्योंकि जो भी कुछ है वो इस मोमेंट में ही तो है। आप कुछ भी करें, चाहे आप खा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, अपने हर एक्शन में अवेयरनेस बनाए रखिए। यही अवेयरनेस आपको अपने सुंदर भविष्य को बनाने में मदद करेगी। दूसरा, ब्रीदिंग पर फोकस करिए। जब आप सांस लेते हैं तो अपने शरीर की क्रिया पर नज़र रखिए और अपने ब्रीदिंग पर ध्यान केंद्रित करना प्रेजेंट में रहने का सबसे अच्छा तरीका है। बदलते भावों को समझिए, नोटिस करिए और फिर माइक्रो लेवल पर अपनी ब्रीदिंग को सुनिए। इन सब चीज़ों से आप अधिक अवेयर हो जाएंगे। तीसरा, मंत्र का उच्चारण करना, प्रार्थना, मंत्र और पॉजिटिव अफर्मेशन का रिपीटेशन, उच्चारण करते रहना। जब मन नकारात्मक, नेगेटिव, चिंता, दुख, क्रोध से भरा हो तो ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव बना देगी, चिंता मुक्त कर देगी और मन को सही स्थिति में ले आएगी। पॉजिटिव मन को संतुलित करना आसान है, जितना मन पॉजिटिव रहेगा संतुलित करना आसान होगा। चौथा, निष्पंद भाव, योगेंद्र निष्पंद भाव। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है। वो लोग जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया है उन्हें भी इससे बहुत ही फायदा होगा। निष्पंद भाव में ध्यान की कोई भी मुद्रा में बैठ जाइए, शरीर को स्थिर कर दीजिए और फिर आंख बंद करके आसपास की आवाज़ों को सिर्फ सुनते रहिए, पैसिव लिसनिंग। ये आवाज़ किसी पंखे, हॉर्न या पक्षी की, किसी की भी हो सकती है। बस अपना पूरा ध्यान अपने आसपास की विभिन्न आवाज़ों पर लगा लिए। पांचवा, किसी एक वस्तु को टकटकी लगाकर देखना। मेडिटेटिव पोज में बैठिए, क्रॉस लेगेड और स्पाइन को सीधी रखिए, सर सीधा हो, दोनों थाइस पर हमारे दोनों हाथ रखे हों और अब आंखें बंद करें। अब अपने आंखों के सामने किसी एक वस्तु की कल्पना करिए, जैसे एक बिंदु हो या कैंडल की फ्लेम हो या सूर्य हो, कोई भी एक चीज़, उस पर ध्यान केंद्रित करिए। इस दौरान काफ़ी विचार आते रहेंगे, लेकिन आपका ध्यान उस वस्तु से हटना नहीं चाहिए। अगर आंख बंद करके ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लग रहा हो तो आंखें खुली रखें। आंखों के सामने कोई एक वस्तु रखें, जैसे एक फूल हो या एक दिया हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो सामने रखें, भगवान की मूर्ति हो वो रखें और उसको एक टक टकटकी लगा कर देखते रहें। ये टेक्निक, इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करिए और देखिए आपका जिंदगी का नज़रिया कितना बदल जाएगा। पहला, ध्यान आपको स्वयं को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने और समझने में मदद करता है और यही जिंदगी का वास्तविक उद्देश्य है। दूसरा, जब आप अपने अंदर की मानसिक इनस्टेबिलिटी को जान लेते हैं तो आप स्वयं को समझने का मार्ग स्पष्टता से देखने लगते हैं। ये कॉन्शियसली अवेयर होने की प्रक्रिया आपको अपने जीवन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में मदद कर सकती है। तीसरा, ध्यान करने से
आपका मन ज्यादा फोकस्ड रहता है। चौथा, ध्यान से आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। ये अवेयरनेस, जागरूकता, ये ऐसी स्थिति है कि आपको पता होता है कि आप कहाँ हैं, क्यों हैं और कैसे कर रहे हैं। आपका ध्यान जहाँ पर जाता है उसके साथ आप एकाकार हो जाते हैं। पांचवा, मन शांत हो जाता है। मन आपको नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि आप मन को नियंत्रित करते हैं। छठा, आपके वर्क प्लेस में, घर में, स्कूल में, कहीं भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सातवां, आप अपने जीवन को ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगेंगे। और फिर आप आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों से और अधिक मजबूत हो सकेंगे। आठवां, ध्यान पारस्परिक संबंध में मिठास लाता है, क्योंकि ध्यान का अभ्यास करने से ही व्यक्ति के मन में नम्रता और प्रसन्नता के भाव आते हैं। ध्यान माइंड और बॉडी के बीच में ब्रिज का काम करती है। ध्यान के प्रमुख पहलू है विश्वास और समर्पण। अपने प्रैक्टिस पे विश्वास रखिए और अपने प्रैक्टिस के प्रति समर्पण का भाव रखिए और देखिए अंत में आप अपनी मंजिल हासिल कर ही लेंगे। शुभम अस्तु। नमस्कार।